आप सभी संगीत प्रेमियों का शैलजा नायर फाउंडेशन की ओर से अमेजिंग म्यूजिशियंस इस लाइव इंस्ट्रूमेंटल कॉन्सर्ट में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हर बार आपने गानों के प्रोग्राम में गायकों को सुना और हर गायक के गीत को सजाने वाले संवारने वाले सभी म्यूजिशियंस को आप आज अनोखे रूप में देखोगे। उनका टैलेंट, उनकी प्रतिभा और उनकी वो अनोखे अंदाज में बयां होने वाली अपने फन के जरिए बिखेरने वाली अदायगी, ये सब कुछ आज के प्रोग्राम में रंग लाएगी। तो आइए सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को वंदन करते हैं और आगाज करते हैं शैलजा नायर फाउंडेशन प्रेजेंट्स प्रताप्स अमेजिंग म्यूजिशियंस इस लाइव म्यूजिकल कॉन्सर्ट का। In a world where mastery meets melody, where excellence transcends boundaries, and where the language of music speaks to the soul, we invite you to witness an extraordinary celebration. Welcome to Harmonizing Excellence, a celebration of instrumental mastery by Pratap's Amazing Musicians. Pratap's Amazing Musicians, a pioneering initiative by the Shailaja Nayar Foundation, a CSR arm of FEI Group of Companies. Imagine a world where every musical note and rhythm would take you on a mini adventure reflecting the heart of music. With this event, we are embarking on a mission to spotlight the unsung heroes of music. Pratap's Amazing Musicians extends beyond mere celebration. Our mission is simple yet profound. It is to connect deeply with you through the universal language of music, celebrating the incredible talent behind these instruments. A platform where every tar, every taal and every dhun unveils a hidden story of exceptional talent. Our brand new website is a khazana for all music enthusiasts. It is your one-stop destination to discover talented musicians, dive into the world of instruments, and book your spot at our music festival. This event is not just a music festival, it is a periodic fiesta where artists from around the globe strut their stuff and you get to be the judge, jury, and most importantly, the fan. Are you ready to embark on a journey where every note resonates with perfection? Every note we play is a step towards celebrating the essence of music. Together, let's support our remarkable musicians, tapping into music's power to soothe, heal, and elevate spirits. Join us as we create moments of pure magic at Harmonizing Excellence, a celebration of instrumental mastery, where every chord strikes a chord in your heart. Hello everyone, good evening to all of you. आप सभी का शैलजा नायर फाउंडेशन की ओर से प्रताप्स अमेजिंग म्यूजिशियंस
इस प्रोग्राम के सबसे पहले चरण में मैं आपका मनमीत आरजे अमित आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी को अभिवादन करता हूं। अक्सर आप सभी ने कई सारे म्यूजिकल प्रोग्राम्स में शिरकत की होगी, मगर शैलजा नायर फाउंडेशन एक ऐसे सफ़र पर चल पड़ा है जिस सफ़र में हर शो में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को बोलने पर मजबूर कर देने वाले म्यूजिशियंस आप सभी के सामने आएंगे और इस शो के सिंगर्स होंगे सिर्फ और सिर्फ म्यूजिशियंस। एक इंस्ट्रूमेंटल शो भी प्रोग्राम की रौनक दुगनी कर सकता है, ये हर किसी को बताने के लिए शैलजा नायर फाउंडेशन ने स्पेशली म्यूजिशियंस भी लाइमलाइट में आए इस उद्देश्य से इस प्रोग्राम की शुरुआत करी है। और इसका सबसे पहला प्रोग्राम आज आप सभी के आशीर्वाद के संग हम आप सभी के समक्ष प्रेजेंट करने के लिए तैयार हैं। आप सभी का आशीर्वाद हमारे संग रहे। ऐसे कहते हैं कि जब कभी जिंदगी में लोग आते हैं तो उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट लाने का हम प्रयास करते हैं और हम जिंदगी और बेहतर करने का प्रयास करते हैं, मगर मुझे ऐसे लगता है कि जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, मगर जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। और ये काम इन सभी साजिंदों को मिला है जो कि भगवान ने दिया हुआ है, नेक काम है। और इसी नेक काम को करते करते कई सिंगर्स को कई गायकों को अपने सुरों में और तालों में बांधे रखते हुए हर प्रोग्राम की रौनक दुगनी करने वाले ये म्यूजिशियंस हर बार पीछे रहते हैं मगर प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं। तो शैलजा नायर फाउंडेशन चाहता है कि इन सभी म्यूजिशियंस को भी हम आगे लाए और हर किसी की पहचान आप सभी से हो, इसलिए इस प्रोग्राम का जिम्मा इन्होंने दे दिया है म्यूजिक इंडस्ट्री के जाने माने म्यूजिक कंडक्टर देवा बंगेरा जी को और उनकी पूरी टीम को। लेट्स वेलकम विथ योर बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द म्यूजिशियंस। वी हैव किरण गायकवाड ऑन कीबोर्ड, नितेश मोरे ऑन कीबोर्ड, माखी ऑन लीड गिटार, गौतम शिंदे ऑन बेस गिटार, we have Santosh Bhutal on octopad, we have Abhijit Kohli on conga, tabla aur percussion bajayenge mere piche baithe hamare Mayuresh Sherlekar। इन सभी के साथ आज के दो स्टार परफॉर्मर्स हैं, स्टार म्यूजिशियंस हैं जो कि इस प्रोग्राम को लीड करेंगे। उनमें सबसे पहले हम एक ऐसे बंदे को बुलाते हैं जिन्होंने 14 साल की उम्र में जब स्टिक्स हाथों में ली तब रीदम क्या होता है, ताल क्या होता है, बीट्स क्या होती हैं, इससे इनका रिश्ता जुड़ गया और फिर इस सफर में इन्होंने खुद को कुछ इस कदर झोंक दिया कि कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ड्रम्स कैसे बजाते हैं ये इन्होंने सीख लिया और इसकी बारीकियां सीखते सीखते मिला हुआ ज्ञान इम्प्लीमेंट करने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स में शिरकत की। इन्होंने महज 12 साल की उम्र में ही कॉन्सेप्ट शोज करने शुरू कर दिए। कई रियलिटी शोज में आप सभी ने इन्हें बजाते हुए देखा है और आज के स्टार परफॉर्मर के तौर पर, एक ड्रमर के तौर पर वे आप सभी की तालियों के बीच मंच पर हाजिर होने जा रहे हैं। ही इज नन अदर देन अ यंग ड्रमर ऑफ आवर म्यूजिक इंडस्ट्री, मिस्टर सुमित सरफरे। सुमित, अमित आपका तहे दिल से स्वागत कर रहा है। इसका सरनेम सरफरे है, कुछ देर के बाद आपको पता चलेगा ये सिरफिरा है, इतना बढ़िया बजाता है ये। आज तालों के साथ कुछ इस कदर खेलेगा कि हर मोड़ पर, हर कदम पर आपको लगेगा हाँ यार इन्होंने कितनी मेहनत करी है। और सुमित जी, हमें खुशी है कि आज एक स्टार म्यूजिशियन के तौर पर आपने इस मंच पर शिरकत की, मगर फिर भी एक और बंदे को बुलाने का मेरा मन कर रहा है जिन्हें सुनने के लिए हम सभी बेकरार हैं। हम सभी ये सारे नज़ारे देख पाते हैं मगर
भगवान ने इन्हें दृष्टि नहीं दी, इसके बावजूद भी इन्होंने जो देखा वो हम सभी नहीं देख सकते। इनकी अंतरात्मा ने जो जो करामतें देखी हैं, जो कल्पनाएं देखी हैं, वो अपने फन के जरिए लोगों के सामने रखते हैं। ऐसे कहते हैं कि जब हम फूंक मारते हैं तो दिया बुझ जाता है, मगर इनकी फूंक से लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में दिए इन्होंने जलाए हैं। ही इज नन अदर देन किरण विणकर। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे महाभारत की कृष्णा थीम, मिले हो तुम हमको जैसे लाजवाब गाने, दिल को करार आया कटियार कालजात घुसली, रामलीला, ओ माय गॉड, पीएम नरेंद्र मोदी, गदर 2 जैसी फिल्मों में इनकी फ्लूट आप सभी ने सुनी हुई हैं, सारेगामापा, इंडियन आइडॉल, सूर नवा ध्यास नवा, सिंगिंग सुपरस्टार जैसे रियलिटी शोज में ये अक्सर पाए जाते हैं। और आज वे जो बजाएंगे वो देखने के लिए आप सभी आए हैं, आपका प्यार वो भी महसूस कर पा रहे हैं। एक बार मिलकर जोरदार तालियां सुमित सरफरे और किरण विणकर दोनों के लिए और हमारी पूरी टीम के लिए। वी हैव द ग्रेट टीम ऑफ अमेजिंग म्यूजिशियंस एंड दीज आर प्रताप्स अमेजिंग म्यूजिशियंस रेडी टू परफॉर्म टुनाइट फॉर दिस इंस्ट्रूमेंटल कॉन्सर्ट। आइए आगाज करते हैं। सबसे पहले एक ऐसे धुन के संग जिसमें आप सभी को सुनाई देगी वो बांसुरी, जो बांस से बनी है। देखिए कई सारे ऐसे पेड़ हैं, ऐसे पौधे हैं जो बड़े होते हैं ना तो फल देते हैं, फूल देते हैं, मगर एक ऐसा पेड़ है जिसमें फल भी नहीं आते और फूल भी नहीं आता, सिर्फ पत्तियां होती हैं, वो है बांस का पेड़। ऐसे कहते हैं कि जब कोई एक ऐसा ही छोटा सा पंछी अपनी जान बचाने के लिए इस बांस में जा बसा, तब सांस लेने के लिए उसने उसमें छेद करना शुरू कर दिया, और उसी बांस के पेड़ में जब हवा घुसती थी तब उसे महसूस होता था कि मैंने इसमें छेद कर दिया है, इसलिए वो बांस का पेड़ रो रहा है। मगर धीरे 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 वो छेद करता चला गया और उसमें हवा घुसकर वो एक साउंड क्रिएट होने लगा। यही साज जब किसी म्यूजिशियन के हाथ में आ जाता है तो वो अपने दिलों से उसमें अधरों पर रखकर फूंक मारकर उसमें जान फूंक देता है और फिर वो फ्लॉटिस्ट कहलाता है। ऐसी ही अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले कई सारे हमारे म्यूजिशियंस हैं, उन्हीं में से एक किरण विणकर जी। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप एक बहुत ही प्यारी सी धुन के संग इस महफिल का आगाज करें। Please put your hands together for Kiran Winkar and our team. Thank you.
क्या बात है। अनपढ़ फिल्म की मदन मोहन साहब की रची हुई ये तर्ज आप सभी ने सुनी। लता जी की आवाज के संग ये गाना तो हम सभी के दिलो दिमाग में बैठा हुआ है। गाना सुनते ही फिल्म का फिल्मांकन भी हम सभी की नजर के सामने खड़ा हो जाता है। मगर आज इन सभी गीतों को रिक्रिएट करके जिस अंदाज में प्रेजेंट किया जा रहा है उसका पूरा क्रेडिट हमारे एक बहुत ही ज़बरदस्त पियानो टीचर और साथ ही साथ पियानो में भी या कीबोर्ड में सिंथेसाइजर में मानो पीएचडी कर उसमें बहुत सारी खोज करके लाइव शोज में उसे इम्प्लीमेंट करने वाले देवा बंगेरा जी को जाता है, हमारी पूरी टीम को भी जाता है। उनकी यही क्रिएटिविटी आपको बहुत सारे गीतों में नजर आएगी। ऐसे कहते हैं, एक संस्कृत श्लोक है, वाद्येषु यत्नः प्रथमं कार्यः वदन्तु शय्याचं नाट्यं वदन्ति वाद्यं विद्ये विगितपि च सुप्रयुक्तेय नाट्यस्य शोभां न विनाशमिति। अर्थात सर्वप्रथम नाटकों में वाद्य का वादन करना चाहिए, क्योंकि वाद्य वादन नाटक की एक शय्या है। गीत और वाद्य का उचित प्रयोग होने से ही नाटक की शोभा द्विगुणित होती है। ये हमारे संस्कृत श्लोक में लिखा हुआ है। मतलब क्या, हम कोई भी नाटक देखने जाते हैं तो अभिनेताओं की अदायगी को देखते हैं, कोई संगीत प्रोग्राम देखने जाते हैं सुनने जाते हैं तो सिंगर्स को देखते हैं उन्हें सुनते हैं। मगर असल में इन सभी गीतों को जन्म देने वाले लिरिसिस्ट का भी उतना ही योगदान होता है, किसी तर्ज को जन्म देने वाले संगीतकार का भी उतना ही योगदान होता है, अरेंजमेंट करने वाले अरेंजर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, और इन सभी की कल्पनाओं को प्रत्यक्ष रूप में उतारने वाले सभी साजिंदे इसके हकदार होते हैं जो अक्सर लाइमलाइट में नहीं आते। शैलजा नायर फाउंडेशन चाहता है कि वो ही लाइमलाइट में आए और आप सभी उनको सराहे। ये सराहना करते हुए हम बांसुरी के जरिए एक और धुन आप सभी के सामने प्रेजेंट करने के लिए किरण जी से रिक्वेस्ट करेंगे। साथ में हमारे सभी साजिंदे उनका साथ निभाएंगे, मगर ये भी एक हमारा हिंदी फिल्मी गीत ही है, मगर अलग अलग लैंग्वेजेस पर प्यार करने वाले म्यूजिक लवर्स ने इसी धुन को स्पैनिश में बेसा में मुचो इस गाने में सुना हुआ है। बस वही धुन से इंस्पायर होकर कल्याण जी आनंद जी भाई जब जब फूल खिले इस फिल्म के लिए ये गाना लता जी की आवाज़ में रच देते हैं और वो हम सभी पसंद करते हैं, गाना मशहूर हो जाता है। वही धुन रिक्रिएटेड वर्जन में हम सुनेंगे किरण विनकर जी की ओर से।
क्या बात है किरण जी, आपके लिए हम कहना चाहेंगे कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू। अजी आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फिर भी फूल थे, कांटों ने भी बिखराई खुशबू। है ना, दिलों में उतर जाना क्या होता है, ये हर सुर के संग वे बयां कर रहे हैं। अब देखिए, आज फ्लूट और ड्रम्स, इन दो साजों को एक स्टार साज के तौर पर बोलने पर मजबूर कर देने वाले हमारे दोनों स्टार म्यूजिशियंस तैयार हैं। अगले मोड पर हम हमारे ड्रमर की ओर बढ़ना चाहते हैं, सुमित सरफरे, जो कि इस गीत में लीड करेंगे। और उन्होंने गाना भी ऐसा चुना हुआ है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में आने के बाद ये गाना बजाने के लिए हर ड्रमर बहुत इंतज़ार करता है कि कब ऐसा बड़ा मंच मिलेगा और ये गाना बजाऊंगा। मगर इस गाने के पीछे भी एक बहुत ज़बरदस्त कहानी है दोस्तों। एक नन्हा सा बच्चा गोवा में पढ़ने वाला, स्कूल में म्यूज़िक सब्जेक्ट पढ़ते हुए उसे लगता है कि यार मैं भी म्यूज़िक में कुछ करूँ, तो स्टिक हाथ में लेता है, बस यूँ ही बजाने लगता है। म्यूज़िक टीचर को लगता है कि ये बंदा अच्छा बजा सकता है, तो उसे वो सिखाने लगते हैं। और जब स्कूल का एक बहुत बड़ा कार्निवल होता है, तो वहाँ किसी कारणवश जो ड्रमर होता है वो मौजूद नहीं होता। तो म्यूज़िक टीचर कहते हैं, काम करो बेटा, आप बजाओ। अक्सर ऐसे होता है ना, स्थानीय कलाकारों को मौका दिया जाता है और कोई नहीं है तो भाई आप बजाओ, समय निकालो। तो वो लड़का इतना छोटा था कि उसका पैर जो है वो ड्रम स्टिक तक भी नहीं पहुंच रहा था। जो बेस है ना, बजाइए, ये बेस का जो पेडल है वो बजाने के लिए उसका पैर ही नहीं पहुंच रहा था। तो क्या करें, तो उस लड़के ने बहुत कम उम्र में खड़े रहकर वो ड्रम बजाया और लोगों की तालियां बटोरी। ही वॉज नन अदर दैन अ प्लेयर हु हैज प्लेड फॉर तीसरी मंजिल, लेस्ली। उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आज हम चाहेंगे सुमित सरफरे वही धुन बजाएंगे जिस धुन के जरिए उन्होंने बॉलीवुड में अपना परचम लहराते रखा।
क्या बात है यार, मैंने तो मजाक में कह दिया था कि ये सरफिरा है, ये तो वो प्रूव करने में ही लगा है। सुमित सरफरे, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किरण विंडकर, सुमित सरफरे और हमारे बाकी सारे म्यूजिशियंस, क्या मजा आ रहा है। माखी, वो आपका लीड गिटार वाला पार्ट भी बहुत बढ़िया था, माखी के लिए भी जरा तालियां हो जाए। यस, ये अपना नाम माखी बताते हैं बट चेक अजय पांडे के नाम से लेते हैं। यस, हर किसी की अपनी अपनी एक स्टाइल होती है। एक वो जमाना था जब म्यूजिशियंस घंटों रिहर्सल्स करके एक साथ किसी गाने को अंजाम देते थे। आजकल तकनीक बहुत बदल गई है, प्रोग्रामिंग का ज़माना आ गया है और ऐसे मोड पर म्यूजिशियंस की टेक्निक का या टेक्निक की वो जो जगह है, उनके फ़न की जो जगह है, वो मशीनरीज ने ली है। इसकी वजह से उस फन में कहीं ना कहीं जज्बात मिसिंग होते हैं और वो हमें अक्सर कुछ सिलेक्टेड गीतों में महसूस भी होता है। हम ये कंपेयर नहीं करना चाहते पुराने और आज के गीत, बस यही कहना चाहते हैं कि जब कभी कोई भी साज कोई म्यूजिशियन बजाता है तो वो साज को न सिर्फ बोलने पर मजबूर कर देता है बल्कि अपनी अंतरात्मा की जो फीलिंग है वो उस पार्ट में पिरो देता है, उसकी वजह से उसमें जान आती है, तब वो गाना रंगीन बनता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हर म्यूजिशियन ने दिया हुआ योगदान आप सभी तक पहुँचे। अब देखिए, हिंदुस्तानी फिल्मी संगीत, पहले तो फिल्मों में संगीत ही नहीं होता था, डायलॉग भी नहीं होते थे। आलम आरा के बाद जो मोड बदल गया, उसके बाद धीरे धीरे जब पर्दे पर फिल्म दिखाई देती थी ना, पर्दे के बाहर ऐसे जगह पर म्यूजिशियंस बैठा करते थे और फिल्म चलती थी और फिल्म में लाइव म्यूजिक बजाया जाता था। आजकल के ज़माने में हम सभी को ये सब कुछ पता नहीं है, बट धीरे धीरे आरसी बोराल साहब ने एक विदेशी फिल्म देखी और उन्होंने उस फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक सुना, तो उनके दिमाग में ये आइडिया आई कि क्यों न ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक का अंदाज है वो हमारे फिल्मों में गानों के साथ आ जाए। तो हिंदी फिल्मी संगीत में गाने भी रिकॉर्ड होने लगे और प्लेबैक सिंगिंग की नींव रखी गई और फिर न सिर्फ सिंगर्स को बल्कि लिरिसिस्ट, संगीतकार और सभी म्यूजिशियंस को और रिकॉर्डिस्ट को भी काम मिलने लगा। एक बार जोरदार तालियां ये सब कुछ जिंदा करने वाले उन सभी महारथियों के लिए जिनकी वजह से आज ये म्यूजिक इंडस्ट्री काम कर रही है, हर किसी का पेट पल रहा है। मगर ये सब कुछ होते वक्त हिंदुस्तानी संगीत में हमें कहीं ना कहीं शास्त्रीय संगीत पर आधारित रागों का भी जो अनोखा अंदाज है वो सुनने मिला है। शाम का वक्त, सुबह का वक्त, दोपहर का वक्त, हर वक्त के अलग अलग राग होते हैं। उसमें रात्रि के प्रहर में सबसे पहला जो प्रहर होता है उसमें राग यमन सुनते हैं और अभी वही तो समय है और राग यमन पर बेस्ड हजारों गीत हैं हमारी हिंदी फिल्मी संगीत में। तो मैं किरण से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि राग यमन पर बेस्ड ऐसी कुछ धुनों की एक लड़ी हमारे सभी म्यूजिक लवर्स के लिए आप प्रेजेंट करें। Thank you.
क्या बात है, थैंक यू सो मच किरण। हमें भी आपसे निगाहें मिलाने को जी चाहता है, मगर कमबख्त आपका चश्मा बीच में आता है। किरण जिस अंदाज में बजा रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए जितने सारे संगीत पर प्रेम करने वाले लोग हैं, उनके तो ये बात दिलों तक पहुँच ही रही हैं, मगर जो संगीत जानने वाले हैं उनको पता होगा कि ये कहाँ कहाँ घूम के आ रहे हैं। यमन राग में जिन जिन सुरों को छुआ जाता है, उनके साथ अन्य कौन कौन से सुरों को वो छूकर ये माहौल पैदा कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां किरण विणकर के लिए, तबले पर साथ देने वाले मयूरेश शेरलेकर के लिए, घुंघरुओं के साथ ऑक्टोपैड में देने वाले संतोष भूतल के लिए। क्या बात। और ये ऐसा माहौल जब होता है ना तो आप आनंद लेते हैं, वो बात अलग है। ऐसे प्रोग्राम्स में स्टेज पर बहुत अलग अलग माहौल होता है। अक्सर कई बार सिंगर्स के संग प्रोग्राम करते हैं, मगर शैलेजा नायर फाउंडेशन ने आज म्यूजिशियंस को एंजॉय करने का ये जो मौका दिया है वो सच में काबिले तारीफ है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शैलेजा नायर फाउंडेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सर्ट फॉर यू। आइए, बांसुरी की जब बात करते हैं तब मेरे ख्याल से तीन कालखंडों में अलग अलग नाम पुकारे जाएंगे। हिंदी फिल्मी संगीत से जुड़ा हुआ सबसे पहला कालखंड आएगा पंडित पन्नालाल घोष जी का। यस, उनके लिए जरूर तालियां होनी चाहिए। एक ऐसी बांसुरी थी जिसमें चार ही छेद थे, जब वो उनके हाथ लगे तो उन्होंने बजाना शुरू कर दिया। घर में बड़े बुजुर्ग थे, उनका कहना था कि यार सितार सीखो, वायलिन सीखो, ये क्या कर रहे हो। मगर उस बांस के टुकड़े से उनको इतना प्यार हो गया कि आने वाले दिनों में वो मानो बांसुर के जनक कहलाए जाने लगे। इतना बड़ा योगदान उनका हमारे हिंदी फिल्म संगीत में बांसुरी इस साज से जुड़ा हुआ है, उसके लिए ज़रूर हम उनका आभार प्रकट करना चाहेंगे। और ये एक ऐसी विद्या है ना जो एक बंदे से अगले बंदे तक जाती हैं। और फिर दूसरा कालखंड जो है वो मेरे ख्याल से पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का है, जिन्होंने सालों तक ये योगदान दिया हुआ है। कई पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया है, मगर सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि हम सभी की जुबान पर उनका नाम है और हम सभी के दिलों में उनकी जगह है, वो कभी भी हम मिटा नहीं सकते। और तीसरा कालखंड जो है वो पंडित रोणु मजूमदार जी का है, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए, जिन्होंने लेट 70s के बाद हिंदी फिल्मों में कई सारे संगीतकारों के संग अपना योगदान देकर वो फिल्मी गीत सजाए, क्लासिकल कॉन्सर्ट सजाए, आज भी वे परफॉर्म कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से जब अगले कालखंड की बात होगी तब बेझिझक हर किसी की जुबान पर किरण विणकर का नाम होगा। हर संगीतकार उनसे इस कदर प्यार करता है कि जब कभी किरण अपने गाने में 8 बार की फ्रेज बजाने के लिए आ जाए तो उस फ्रेज में वो 4 चांद लगा ही जाएंगे, इसका पूरा अंदाजा हर म्यूजिक डायरेक्टर को होता है। आइए अब की बार अनामिका फिल्म की वो धुन सुनते हैं जिसमें पंचमदा अपने तर्ज में लताजी की आवाज़ का इस्तेमाल कर बाहों में आने की विनती अपने लाइफ पार्टनर से करने की जो बात रखते हैं, उसमें अब रंग पिरोने के लिए हमारे किरण तैयार हैं। लताजी ने गाया वो तो कमाल का है ही। एक वीडियो वायरल हुआ था गुलाम अली साहब, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी हरकतें ली थी और इस धुन को और अनोखे अंदाज में प्रेजेंट किया था। अब किरण जो बजाएंगे वो भी आप शूट करके पोस्ट कर सकते हैं, वो भी मुझे पूरी उम्मीद है बहुत वायरल होगा। आप भी देखोगे कि वो कहां कहां घूम के आएंगे और इस धुन को बाहों में लेंगे।
म्यूजिशियंस किरण विंडकर और सुमित सरफरे के संग हमारे बाकी सभी साथियों ने जो इसमें रंग भरे हैं उनके लिए भी तालियां हो जाए यार। स्पेशली इसमें जो बेस पैटर्न कंटिन्यूसली चल रहा था उससे गाने को जो बॉडी मिल रही थी वो बना रहे थे हमारे गौतम शिंदे जी। 90s में बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए, स्पेशली जतिन ललित जी हो, अन्य कई सारे, इनके लिए इन्होंने ओरिजिनल म्यूजिशियन के तौर पर अपना योगदान दिया हुआ है। ऐसे जाने माने म्यूजिशियन हमारे संग हैं। और आप मुझे बताओ, ये गाना कौन से म्यूजिक डायरेक्टर ने इसे कंपोज किया है? यस, इतने कंफ्यूज क्यों भाई? हाँ, आर डी बर्मन के ट्रूप में एक म्यूजिशियन के तौर पर काम करने वाले साजिंदे आज हमारे संग इस मंच पर परफॉर्म कर रहे हैं। हमें बड़ा नाज है उन पर। ही इज अभिजीत कोहली। तुम्बा पर और पर्कशंस पर वे हमारा साथ निभा रहे हैं। और खुशी इस बात की होती है ना कि हर किसी का अलग अलग अंदाज होता है बजाने का, मगर मैं किरण आपसे पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले फ्लूट आपने कब हाथ में ली और कब बजाना शुरू किया? सबसे पहले तो जब मैं 5 साल का था तभी मैंने फ्लूट हाथ में ली थी। हाँ। जो स्टेट फ्लूट लोग बजाते जो बाहर आते ना बेचने वाले फ्लूट जो बेचते। करेक्ट करेक्ट। तो वो फ्लूट से मैंने शुरुआत की थी। और कौन सी धुन बजाई थी? मैं पहले गॉस्पेल सॉन्ग, चर्च के सॉन्ग्स बजाता था। बजाइए। आजू बाजू सब इन्फ्लुएंस होता था। याद है आपको वो धुन? हाँ याद तो है। थोड़ी सी बजा लीजिए ना। सॉन्ग था हिंदी, मतलब क्या बात। हाँ बजा सकते ताली, क्योंकि उतना ही मुझे तभी उतना ही आता था।
नहीं उतना आता था, मतलब ये सबसे बड़ी बात है कि आपने इससे पहले कभी भी फ्लूट बजाई नहीं थी, पहली बार हाथ में ली और बजाई, तो आपने जब ये धुन बजाई मेरे ख्याल से वो फ्लूट बेचने वाला भी चौंक गया होगा कि इतने कम उम्र में ये लड़का इतना प्यारा बजाता है, आने वाले दिनों में ये कितना ज़बरदस्त बजाएगा। आपको पता है रफ़ी साहब जब छोटे से थे, फीको इस नाम से उन्हें पुकारा जाता था, अपने गांव में एक फ़कीर आता था, तो फ़कीर कुछ ना कुछ गुनगुनाता, चिमटा बजाता और निकल जाता था, तो उसके पीछे पीछे रफ़ी साहब चले जाते और जो फ़कीर गाता था वहीं गुनगुनाने लगे थे। तो फ़कीर ने एक बार उनका ये गुनगुनाना सुना और उसके उनके सर पर हाथ रखा और कह दिया कि बेटा आप एक दिन बहुत बड़े गायक बनोगे। तो वो फ़कीर की दुआएं काम कर गई और वो फीको नाम से द ग्रेट मोहम्मद रफ़ी बन गए। मेरे ख्याल से वही दुआएं उस वक्त उस बांसुरी वाले बेचने वाले बंदे ने हमारे किरण विंडकर को दी होगी। जितनी सारी बांसुरियां वो लेकर आया था उसमें से वो मेरे ख्याल से उसने संभाल के रखी होगी। किरण, हमें खुशी है कि बांसुरी इस सांस के ज़रिए आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और इसी पहचान के साथ आज आप जब परफॉर्म करते हो, रिकॉर्डिंग में बजाते हो या फिर कई सारे म्यूजिकल शोज़ के लिए जाते हो, तो ये इतना बड़ा जो सफ़र है उस सफ़र में आप जब पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल वाला मतलब पीरियड था। जब शुरुआत की थी तो फोर्थ स्टैंडर्ड तक मैंने ये स्ट्रेट फ्लूट ही बजाई जो उसके बाद जो सर मुझे सिखाते थे हमारे स्कूल में, एक्चुअली हमारी शुरुआत हुई जो फॉर्मल ट्रेनिंग थी और फोर्थ स्टैंडर्ड के बाद सर ने वो स्कूल छोड़ दिया, तो फोर्थ से लेकर टेंथ स्टैंडर्ड तक बड़ा गैप आया क्योंकि हमारे जो दूसरे सर आए थे म्यूजिक सिखाने के लिए वो तबला बजा रहे थे, उनको फ्लूट आती नहीं थी। तो वो गैप के बाद फिर टेंथ स्टैंडर्ड के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों ना हम वापस शुरुआत करते हैं। तो जो साइड ब्लोन फ्लूट जब मैं आपके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ वो ये फ्लूट मैंने गंधर्व कला निकेतन वाशी में था, तो मेरे घर के पास पहले वाशी में रहता था मैं, तो मैं वहाँ पे मैंने शुरुआत की जाना, तो वहाँ पे फॉर्मल ट्रेनिंग ली और फिर ऐसे ऐसे सफ़र बढ़ता गया। 2005 में फिर मैंने गुरुकुल ज्वाइन किया पंडित हरिप्रसाद चौरासिया जी का, जो इंस्टीट्यूशन अंधेरी में, बहुत लोग आप जानते होंगे HDFC बैंक के पास है, कि इनको सीखना है फ्लूट तो आप वहाँ जा सकते हैं, वो इंटरटेन करते, काफ़ी अच्छा सिखाते वहाँ पे। वाह, तो अच्छा लगता है वहाँ से लेके अब तक जो है काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी आए। अच्छा, वेयर डू यू एंजॉय मोर, इन रिकॉर्डिंग्स और इन लाइव? रिकॉर्डिंग। अपने गाना 8 बार की फ्रेज, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, क्लासिकल में मुझे थोड़ा टेंशन आता है बजाने के लिए। अच्छा अच्छा। और पहली बार कौन सी रिकॉर्डिंग करी थी और कब? भोजपुरी सॉन्ग्स पहले बजाए थे मैंने 2007 में जनवरी मंथ में, 2000 रुपये में 8 गाने बजाए थे। देखिए, याद है, एक म्यूजिशियन के दिल की बात है ये, अमाउंट मायने नहीं रखती मगर उस समय जो मौका मिलता है उस मौके में 4 चांद लगाने का प्रयास हर कोई करता है। पर उस टाइम भी 2000 बहुत ज्यादा थे ना? हाँ, वो भी ज्यादा थे, वो भी ज्यादा, तो उसी सबसे डिसेंट अमाउंट मिला था। तो नहीं, अमाउंट से ज्यादा मुझे ऐसे लगता है कि वो मौका सबसे बढ़िया है जब किसी ने आप पर भरोसा रख के आपको 8 गाने बजाने का मौका दिया। हम उनके शुक्रगुजार हैं जिनकी ओर से आपकी एक नई राह शुरू हो गई। अब हम चाहते हैं कि आपके साथ हमारे ड्रमर सुमित सरफरी भी जुड़ जाए और हम सभी को एक ऐसी धुन की ओर ले जाए जो धुन हमने टाइटैनिक फिल्म में सुनी है। चलेगा ना? हाँ, आपको हीरो हीरोइन पता है ना, वो बोर्ड के किनारे ऐसे खड़े अच्छा, रहते हैं। एक जोक मतलब ऐसा है, अभी आज लग रहा है कि आज मैं सिंगर होना चाहिए था, इसीलिए क्योंकि फ्लूट बजाते पहले सर पे इतनी बड़ी बड़ी मक्खी आ रही है ना, तो दो हाथ बिजी होते हैं, तो कौन से हाथ से मक्खी हटाए समझ में नहीं आता है। तो बाहों में चले आओ गाना जब बजा रहा था, तो भी फिर साइन में मक्खी आई, तो मैंने एक हाथ हटाया और फिर सुर वो अलग कुछ लग गया, तो ये सुर गड़बड़ होने के चक्कर में मेरा वीडियो जरूर वायरल होगा क्योंकि कितना खराब, कॉन्फिडेंटली खराब बजा रहा है ऐसा लोग बोलेंगे। तो क्या बात है, ठीक है, आप शायद बिलीव नहीं करोगे बट बैक स्टेज में हम किरण से जब कभी बातें करते हैं तब उनका यही अंदाज रहता है, मजाकिया अंदाज, और वो भले ही स्टेज पे बड़े ही ऐसे सीरियस नजर आए मगर वो ऐसे ही हैं और हमें आनंद है कि जब फ्लूट बाजू में करके वो बोलने लगते हैं तब भी हर किसी को आनंद देते हैं, है ना। एक बंदा तो ऐसा है जिससे मैंने कहा था कि माइक ले लेना, उसने माइक ही हटा दिया, मुझे बोलना ही नहीं है, सुमित सरफरे। हाँ, मैं उनसे भी कुछ सवाल जरूर करूँगा कुछ देर बाद। फिलहाल हम चाहते हैं कि टाइटैनिक की वो पोज जो बहुत मशहूर हुई उसमें आप समझिए किरण और सुमित एक साथ खड़े हैं और अब हम सभी को उस बोट की टाइटैनिक की सैर कराएंगे इस धुन के संग। आइए सुनते हैं।
एक वो टाइटैनिक थी जो सबको डुबा गई, मगर इस टाइटैनिक की धुन ने हम सभी को फिर एक बार जिंदा कर दिया है, ऐसे मैं कहना चाहूँगा। इसमें जितने सारे साथी हैं, इन सभी के संग ये महफिल सजाते वक्त शैलजा नायर फाउंडेशन चाहता है कि हमारे स्टार म्यूजिशियंस को फेलिसिटेट करें, क्योंकि आज का ये पूरा प्रोग्राम सिंगर्स ना होते हुए भी अपने काबिल कंधों पर वो ले जा रहे हैं, एंड दे डिजर्व योर एप्रिसिएशन, योर लव और आप सभी का आशीर्वाद भी। तो हम चाहते हैं कि हमारे चीफ गेस्ट्स को हम मंच पर बुलाएं, आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच हम मिस्टर कुणाल भाटिया जी को मंच पर बुलाना चाहते हैं। ही इज़ ओनर ऑफ वीडियो वेव्स एंड फ्लोटिस्ट। सर प्लीज कम। आई रिक्वेस्ट मिस्टर हरेश आशज टू कम ऑन स्टेज। ही इज म्यूजिक एंथुजियास्ट एंड सपोर्टर ऑफ शैलजा नायर फाउंडेशन। मिस्टर किरण शर्मा प्लीज डू कम ऑन स्टेज, ओनर ऑफ किरण स्टूडियो एंड अ बिग म्यूजिक फैन टू। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय FVI कार्गो लिमिटेड एंड फ्रॉम दिस कंपनी आई रिक्वेस्ट मिस्टर अभिजीत नायर प्लीज डू कम ऑन स्टेज फॉर द फेलिसिटेशन ऑफ आवर म्यूजिशियंस। आप चारों के शुभ हाथों, सबसे पहले हम किरण विणकर जी को सम्मानित करेंगे। शॉल, ट्रॉफी और एक मान पत्र उनके लिए शैलजा नायर फाउंडेशन दे रहा है। मेरे ख्याल से किसी म्यूजिशियन के लाइफ में ऐसा मौका शैलजा नायर फाउंडेशन की वजह से पहली बार आ रहा है कि उन्हें इस तरह का सम्मान प्राप्त हो रहा है। सम्मान पत्र कुछ इस शब्दों में बयां हो रहा है। मिस्टर किरण विणकर, दिस सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन इज प्रेजेंटेड टू यू दिस डे इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर अनपैरेलल्ड मास्टरी इन म्यूजिक फ्लूट एंड your years of dedication to your chosen art form. Your soulful melodies transcend the beautiful notes of music to captivate and humble the hearts and soul of your ardent listeners. Your extraordinary talent and passionate commitment to preserving the art forms of Indian classical music are truly commendable. Please put your hands together for Mr. Kiran Winkar. Now I request Mr. Sumit Sarfare to come forward and receive this honor from Shailaja Nair Foundation. Shawl, trophy aur maan patra ke zariye inka samman kiya ja raha hai. Ye pyare shabd Shailaja Nair Foundation ki or se. Mr. Sumit Sarfare, this certificate of appreciation is presented to you this day in acknowledgement of your unparalleled mastery in drums and your years of dedication to your chosen art form. Your soulful rhythms transcend the beautiful notes and rhythm captivate and humble the hearts and soul of your ardent listeners. Your extraordinary talent and passionate commitment to preserving the art forms of Indian classical music are truly commendable. These are Pratap's amazing musicians. Yes, sir. I'm very thankful to all of you. जितने महानुभव मंच पर आए, आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप तशरीफ रखें और अगले प्रस्तुति की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। फिल्म मेरे जीवन साथी से एक ऐसी धुन हम सभी तक पहुँचती है जिसमें पंचमदास संगीत का नशा हम सभी को चखाते हैं और गले लगने की बात अब भी होती है, बस उसे थोड़े से पेपी अंदाज में प्रेजेंट किया जाता है। तो अब
किरण विणकर, सुमित सरफरे और देवा बंगेरा की पूरी टीम हम सभी को उस धुन की ओर ले जाएंगे. दिस इज ऑल्सो रिक्रिएटेड वर्जन ऑफ मेरे जीवन साथी सॉन्ग. लेट्स हैव दिस वन. आउट कर रहे थे ये हमारा बंदा जो है मयूरेश, ये कौन सा साज बजा रहा था. ये आप उसकी साउंड सुनिएगा, ये पंचम दाने अपने कई सारे गीतों में इस्तेमाल किया हुआ साज है, इसे रेसो रेसो कहते हैं. और वो एक ऐसा साउंड क्रिएट करता है, आपको पता है ना कई सारे गाने उनके पंचम दा के गानों में आपको ये सुनाई देगा, मेरे सामने वाली खिड़की में वगैरह. तो ये अमृत राव काटकर इस म्यूजिशियन ने पंचम दा के लिए बजाया और उसके बाद कई सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने भी इस साज को अपनाया. तो एक बार तालियां हमारे मयूरेश शेरलेकर के लिए भी हो जाए. ये सारी बारीकियां धीरे धीरे मैं आप सभी से बांटते रहूंगा. और भी बहुत मज़ेदार धुनें और कुछ अलग अलग प्रस्तुतियां किरण और हमारे सुमित आप सभी के लिए लेकर आएंगे. मगर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज के कई सारे इन प्रस्तुतियों में जो गाने के ओरिजिनल म्यूजिक पार्ट्स हैं उसे रिक्रिएट किया जा रहा है, आपको कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया ना. तो इसका क्रेडिट हमारे देवा बंगेरा जी को जाता है. सबसे बड़ी बात होती है कि किसी धुन को उसका कलर ना बिगाड़ते हुए
अन्य सुरों के संग उसे संवारे, मगर उनको उनकी इस कल्पना शक्ति को सजाने के लिए हमारे सभी साजिंदे उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं, ये कड़ी रिहर्सल के बाद वो मुमकिन हो पाता है। तो इनकी घंटों की रिहर्सल्स हैं जो एक 5 मिनट की धुन में प्रेजेंट होकर चला जाता है, मगर तब आपकी जब तालियां बजती हैं, आपका प्यार मिलता है, तब इन्हें सबसे ज़्यादा आनंद होता है। तो बस म्यूजिशियंस की खुशी के लिए शैलेजा नायर फाउंडेशन ये महफिल सजा रहा है, जिसमें बदलते हुए ट्रेंड की नज़ाकत को समझते हुए अब हमारे किरण, सुमित और हमारे सभी साथी आप सभी को एक नई धुन की ओर ले जाएंगे, जिस पर हाल ही में बहुत सारी रील्स वायरल हो रही हैं। आइए देखते हैं कौन सी है ये धुन। इससे पहले आगे बढ़े, मैं सबसे पहले तो प्रताप, अमेजिंग म्यूजिशियंस प्रताप सर का जो कॉन्सेप्ट है, और शैलेजा नायर फाउंडेशन, दोनों को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है म्यूजिशियंस को आगे लाना। बहुत अच्छी सोच है और बहुत मज़ा आया, और इतनी प्यारी ऑडियंस जो इंस्ट्रूमेंटल सुनने के लिए आई है, तो आपका भी सबसे दिल से धन्यवाद। बहुत सारे ऑडियंस में जानकार लोग हैं, बहुत तो मज़ा आ रहा है। कुछ कुछ लोग ऐसे भी ऑडियंस हैं जिनसे मैं डरता हूँ, मेरी वाइफ भी उनमें एक है। बट किरण, मुझे ऐसे लगता है कि प्रताप जी ने इस अनोखी संकल्पना की नींव जो रखी है, उसका पहला प्रोग्राम आज हो रहा है। आज भले ही ये थिएटर हाउसफुल ना हो, मगर जितने लोग हैं वो सभी दर्दी हैं। करेक्ट। तो आप हमसे वादा कीजिए, प्रताप जी ने ये सोचा है कि आने वाले दिनों में हम इसकी सीरीज चलाएं, अगले शो में अन्य दो साजों को लीड में रखा जाएगा और कुछ और म्यूजिशियन आपसे मुलाकात करेंगे, तो ये सिलसिला जारी रहेगा पूरे साल भर, डेढ़ साल भर, हर महीने अलग अलग थीम के संग हम आप सभी से मुलाकात करेंगे। क्या फिर एक बार आप सभी का प्यार मौजूदगी के संग हमें मिलेगा? शैलेजा नायर फाउंडेशन आपके इस डिसीजन से बहुत खुश है। अभी जी वैसे भी हमें गर्दी नहीं है, दर्दी लोग मिले तो ये बात जितने भी यहाँ दर्दी है। और अभी जो परफॉर्मेंस मैं प्ले करूँगा, 2006 में हमारा एक कॉन्सेप्ट आया था, तो ये धुन बहुत तभी वायरल हुई थी, फ्लूट मैजिक, उसे हमने नाम दिया था, रेमो फर्नांडिस उनकी एक धुन है। और जनरली आप फ्लूट सुनते हो जैसे, ऐसे बजाते हैं, इसमें थोड़ा सी कार्यकारी करेंगे हम लोग, थोड़ा सा हाँ, यहाँ पे फ्लटर थोड़ा यूज़ करेंगे, फ्लटर आपको पहचान जाएंगे कि फ्लूट में कुछ अलग सा साउंड आपको सुनाई देगा। और ये फरमाइश है हमारी किरण गायकवाड़ जी के कीबोर्ड पे बजा रहे तो उनके लिए खास में बजाऊंगा। Thank you.
थैंक यू, थैंक यू. एनिमल में एक्टर शराब के बिना जी नहीं सकता और हम कलाकार चाय के बिना, तो ये सही समय है चाय पीने का. हम चाहते हैं एक छोटा सा इंटरवल लें और इस अंतराल के बाद फिर एक बार मुलाकात करें. कोई जाएगा नहीं, फिर एक बार जल्दी मिलेंगे और कुछ ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस आप सभी के लिए अभी बाकी हैं. शैलजा नायर फाउंडेशन प्रेजेंट्स प्रताप्स अमेजिंग म्यूजिशंस A live instrumental concert presenting a second half of this concert. Thank you.
क्या आप बता पाएंगे ये कौन सी थीम थी? बॉम्बे। ये धुन बजाने वाले बंदे को यानी नवीन कुमार नामक फ्लूट आर्टिस्ट को अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जी ने राष्ट्रपति पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया हुआ है। नवीन कुमार एक ऐसे फ्लूट आर्टिस्ट रहे जिनका बजाना कई लोगों ने सराहा है, उनकी आर्ट को कई लोगों ने सराहों पे बिठाया है, मगर जब एआर रहमान की नज़र इस बंदे पर गिरी तब वे चौंक गए कि हम जिन्हें पूछते हैं, हम जिन्हें फॉलो करते हैं, उस इलाही राजा के पास ये बजाते हैं, तो इनमें कुछ तो अलग बात होगी। बस तब से ही एआर रहमान जी ने अपने ट्रूप में इनको भी एक बहुत अहम स्थान दिया और फिर नवीन कुमार जी ने उनकी बहुत रचनाओं में बांसुरी बजाई। हम कुछ ऐसी ही झलकियां इसके बाद एआर रहमान जी और फ्लूट बेस्ड कुछ गानों की आप सभी के सामने प्रेजेंट करना चाहेंगे जिसमें नवीन कुमार जी का योगदान है। और हम सभी जानते हैं कि द मोजार्ट ऑफ मद्रास हम जिन्हें कहते हैं, ऐसे एआर रहमान साहब ने संगीत में कितना बदलाव लाया, नए नए साउंड्स क्रिएट किए। एक वो ऐसा दशक था जब जतिन ललित, नदीम श्रवण, अनु मलिक, इन जैसे कई सारे नए म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने नए फ्रेश म्यूज़िक के संग हम सभी का दिल जीता था। और उसी बीच ये साउथ का बंदा कुछ इस कदर बॉलीवुड में छा गया कि वो भी कई सारे अवार्ड्स के हकदार हो गए। एक बार तालियां एआर रहमान जी के बॉलीवुड में जो योगदान है उसके लिए होनी चाहिए। हम चाहते हैं देवा बंगेरा और हमारी पूरी टीम अब एआर रहमान के ऐसी कुछ धुनों को आप सभी के सामने रिक्रिएटेड वर्जन में प्रेजेंट करें।
वंस मोर, आप सबसे ज्यादा खुश ऑडियंस में पता है कौन है? आप सबसे ज्यादा खुश हैं किरण जी की वाइफ, जो हर बीट पर जोर जोर से तालियां बजा रही थी। एक बार तालियां इस जोड़ी के लिए भी हो जाए। और किरण, एक छोटी सी धुन वंस मोर, रिदम में ताली बजाएंगे सभी, हाथ ऊपर करके। सर सर बता दूं, जब कभी थीम शोज होते हैं, शैलजा नायर फाउंडेशन के संग जुड़े हुए जितने सारे डिग्निटरीज हैं, आप में से कई लोगों ने बहुत बार जब शैलजा नायर फाउंडेशन किसी प्रोग्राम को, आर्क इवेंट्स के काफ़ी सारे प्रोग्राम को इन्होंने स्पॉन्सरशिप भी दी है, उनके साथ जुड़े हुए हैं, तब आपने सभी गाने ओरिजिनल म्यूजिक के संग सुने होंगे। मगर इस प्रोग्राम में इतनी सारी क्रिएटिविटी के संग ये अमेजिंग म्यूजिशंस जो भी करामत कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ शैलजा नायर फाउंडेशन की इस थीम के वजह से मुमकिन हो पा रहा है। तो उनके लिए सच में ये जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसमें म्यूजिशंस अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालकर इन सभी धुनों को सजाने का प्रयास कर रहे हैं। किरण के साथ साथ सुमित के लिए भी उतनी तालियां हो जाए, जिन्होंने ये रिदम हम सभी के रग रग में कुछ इस तरह पिरोया कि हम भी नाचने पर मजबूर हो बैठे। अब मैं हमारे सुमित से पूछना चाहूंगा कि सुमित जी, आप हमें बताया कि हाउ डिड यू स्टार्टेड ड्रमिंग, कैन वी हैव अ माइक प्लीज? यस सुमित, हमें आप बता दीजिए कि सबसे पहले ड्रम्स बजाने की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, और किस तरह आप इस इंस्ट्रूमेंट को इस इंस्ट्रूमेंट की ओर दौड़े, और इसी इंस्ट्रूमेंट को आपने क्यों चुना? बचपन से देखा हुआ था, मतलब लाइव शोज हमारे यहाँ पे साई भंडारा होता था, वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता था, तो वहाँ पे बहुत से लोगों को परफॉर्म करके हुए देखा था। अच्छा, तो ड्रम्स मैंने पहली बार दत्ता तावड़े इनको प्ले करते हुए मैंने वहां पे, अ पर्सन हु प्लेज इन सारेगामा पर, दत्ता तावड़े, उनका भी नाम याद रखना, ही इज आल्सो अ ग्रेट म्यूजिशियन। तो देखिए, कोई ना कोई किसी ना किसी से इंस्पायर होता है, तो ये उनकी स्टोरी बता रहे हैं। ये मैंने अभी मतलब देखा था एट द एज ऑफ आई वाज दैट टाइम 13-14, और तब से मैंने मतलब चालू किया था। अच्छा, और थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस होते होते, और इसमें स्पेशली मेरी मम्मी का मेरे को बहुत बड़ा सपोर्ट था। अच्छा, दैट यूज टू रिफ्यूज सम टाइम, मतलब वो थोड़ा सा ऐसा था कि म्यूजिशियन बन के, मतलब एग्जैक्टली वो मतलब म्यूजिशियन का टर्म मालूम नहीं था। नहीं, एक्चुअली हमारे फील्ड में ऐसी ही बात है, हम बोले ना कि हम एंकरिंग करते हैं, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, काम क्या, पेट पालने के लिए क्या करते हो? एग्जैक्टली, तो वही सेम था, बट मम्मी ने थ्रू आउट बहुत अच्छा सपोर्ट किया, और उसकी वजह से मतलब आगे बढ़ के, और फिर मेरे सर, मेरे अंकल है शेखर सरफरे, उनकी वजह से उन्होंने, ही इज आल्सो रिनाउंड म्यूजिशियन फ्रॉम आवर म्यूजिक इंडस्ट्री, शेखर सरफरे, ही प्लेज ऑक्टोपैड एंड ड्रम्स, सो उनसे भी इन्होंने इंस्पायर होकर इस फील्ड में आना चाहा है। उन्होंने बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट किया है, और बहुत बहुत सी चीज़ें सिखाई है, मतलब मैं बेसिकली उनके पास ही पूरा सीखा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। सुमित सरफरे बोले इसलिए। अभी ए आर रहमान ने कंपोज की हुई कुछ धुनियाँ आप सुन रहे थे, इसमें इन दोनों ने तो स्पेशली कुछ अनोखा बजाया ही है, मगर कुछ कॉर्ड प्रोग्रेशन जो आपके कानों पर गूंज रहा था, और जो माहौल चेंज हो रहा था, वो किरण गायकवाड़ और देवा बंगेरा के कॉर्ड प्रोग्रेशन की वजह से, इन दोनों ने जिस तरह इसमें रंग भरे, वो सच में काबिले तारीफ हैं। और हमारा मयूरेश शेर लेकर एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था, आप में से किसी को इसका नाम पता है, उठाइए,
हाँ जेम्बे नहीं नहीं जेम्बे के रेशन कार्ड पर ही ये आता है बस इसका नाम अलग है यस बताइए हाँ दरबुगा परफेक्ट मैम आपका नाम बताइए एक मिनट अब एक और राज खुलने वाला है मिसेस अभिजीत कोळी ये बंदा है ना हर बार मुझे कहता है भाई अमित तू कुछ भी बजाने बोल मैं बजाऊंगा बोलने मत बोल आज उनकी वाइफ बोल पड़ी शो में उनके लिए भी जोरदार तालियां मजा आ रहा है चलिए एक काम करते हैं देवा जी आपने एक प्रोग्राम किया था कुछ सालों पहले और उस प्रोग्राम में सारी की सारी कॉम्पोजिशंस जो थी वो रिक्रिएटेड थी उसके बारे में कुछ बताइए और उसकी एक झलक हमारे सभी साजिंदों के संग प्रेजेंट कीजिए 2017 में दीनानाथ में हम लोग ने आर्क इवेंट्स का ही एक शो किया था हारमनी तो एक नया एक्सपेरिमेंट था मतलब ऑल द सॉन्ग्स वर चेंज्ड म्यूजिक चेंज था सिंगर्स भी थे लेकिन डर भी लग रहा था कि पब्लिक को पसंद आएगा कि नहीं मतलब इधर उधर से हम लोग ने लिया हुआ था इट वॉज नॉट माई ओन कम्पोजिशन जैसे स्पेन एक सॉन्ग है चिक कोरिया का तो उसका इंट्रो हम लोग ने लेके ओ मेरी शर्मिली में डाल दिया अच्छा तो अच्छा लगा रिहर्सल में अच्छा लग रहा था लेकिन फिर भी डर लग रहा था पब्लिक को पसंद आएगा कि नहीं अच्छा। लेकिन बहुत अच्छा हुआ और यूट्यूब पे बहुत वायरल भी हो गया क्या बात है तो वही हम लोग अभी इंस्ट्रूमेंटल में ले रहे हैं वो सॉन्ग तो एक काम करिए YouTube पे जो वायरल हुआ वीडियो है इनमें से हर किसी ने देखा नहीं है उसकी एक झलक आज दिखाइए yes. फिर वो वीडियो लोग फिर जाकर yes, देखेंगे आर्क इवेंट की इसमें है वो YouTube चैनल पे है उसकी झलक दिखाइए अभी हम लोग सॉन्ग ही स्टार्ट कर देते हैं चलेगा चलेगा ओके यस और एक बात हाँ. कि ये जो कंपोजिशन सब लोग ये लोग बजा रहे इट्स नॉट वेरी इजी सुने हुए गाने फटाफट बजा लेते correct, लेकिन हम लोग ने खाली एक रिहर्सल की शो की And credit goes to all these musicians. Great, It's very difficult to play in one rehearsal. Yes. Thank you. Oh, 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 oh
ये तो सिर्फ ट्रेलर हैं, पिक्चर पूरा आर्क इवेंट्स के YouTube चैनल पर आप सभी को देखने मिलेगा, जिनका आज योगदान शैलजा नायर फाउंडेशन के इस प्रोग्राम में बहुत बड़ा मिला हुआ है। हम चाहेंगे लता श्रीधर जी, राजेश मेनन जी और आर्क इवेंट्स की टीम के लिए भी उतनी जोरदार तालियां हो जाए जिन्होंने इन सभी कलाकारों को और शैलजा नायर फाउंडेशन को एक साथ लाया हुआ है। वेरी थैंकफुल टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सभी हमारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, देखिए भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं जो अलग अलग बोली बोलने वाले हैं। हिंदी गाने तो सभी सुनते हैं मगर यहाँ पे महाराष्ट्रीय लोग भी बहुत सारे होंगे। कितने हैं? अरे बरस जड़े थे। चला सभी महाराष्ट्रीयन हैं। एक्चुअली वी ऑल आर इंडियंस फर्स्ट, तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम सभी अलग अलग बोली बोलने वाले एक साथ रहते हैं। वो कहते हैं ना कि आसाम से गुजरात तक, बंगाल से महाराष्ट्र तक, दिल्ली से कोलकाता तक, बल्कि इतना ही नहीं कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाति अनेक हैं मगर गुण एक हैं, भाषा अनेक हैं मगर सुर एक हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हम सभी हिंदुस्तानी भाई भाई एक हैं और यही एकता हमें अक्सर नज़र आती है। बट हम चाहते हैं कि किरण विंडकर, सुमित सरफरे और हमारी पूरी टीम मिलकर आपको कुछ हिंदी और मराठी गीतों को एक साथ प्रेजेंट करें और ये मेडली सुनाएं, जिसमें कुछ गाने जब वो प्रेजेंट होंगे तब हम चाहते हैं, हमारे संग सिंगर्स तो नहीं है बट सिंगर्स आप बन जाएंगे। आर यू ऑलरेडी पक्का? देखो कोई हिंदी धुन हो तो आपको वो गानी है, मराठी धुन हो तो वो भी गानी है। आज हम देखते हैं आपको कितने गाने पता है। चलो
यू किरण, यातली कोणतीही एक धून मराठी गाण्याची एकदा रिपीट कर, कोणी वाजवणार नाही, तुझ्यासोबत सगळेजण गातील. त्यांचा आवाज येत नव्हता मगाशी. यस प्लीज. सभी का ये अंदाज देखकर एक शेर याद आ रहा है. शायर बड़ा खूब कहते हैं कि तकदीर का लिखा मिटा सकता है कौन, इस फलक से चांद सितारों को हटा सकता है कौन. अजी संगीत तो ईश्वर की शक्ति है, तो बताओ संगीत के चाहने वालों को भुला सकता है कौन. वी सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू. इतना प्यार मिल रहा है, मुझे ऐसे लगता है कि इसके बाद हम और कुछ rhythm patterns की ओर बढ़े. I just want to ask Sumit, there are many different rhythm patterns, but हम चाहते हैं कि ऐसे कुछ selected patterns किस नाम से पहचाने जाते हैं, वो उसकी थोड़ी सी झलक दिखाइए और उसका नाम भी बताइए. Which is this pattern? Yes, take this mic. This is called bossa nova. Bossa nova, okay. आप बजाइए. आपने इस रिदम में बहुत सारे गाने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सुने होंगे. Got it? Any other? मगाशी वाजवला तो रेगे. रेगे. रेगे, ओके. रेगे. That is called one drop. अच्छा, कैसे बताइए? ओके, got it. म्हणजे दिस इज बेसिकली प्लेड वन बीट डाऊन. अच्छा, ओके. म्हणजे आपण बेसिकली समेवर राहत होतो ना ते वन. अच्छा, ओके, असं. गॉट इट. आज ड्रमिंग के क्लासेस भी हो रहे हैं यहाँ पे. सुमित गरबा गरबा. बट इतने प्यारे इतने प्यारे अंदाज में हमारे सुमित आप सभी को बता रहे हैं. सबसे पहले तो वो बोलने में बहुत शर्माते हैं, मगर आज उनका वो भी डर निकल गया. तालियां हो जाए भाई. ये सब कुछ शैलजा नायर फाउंडेशन की वजह से हो रहा है. म्यूजिशियन अब बोल भी रहे हैं. अब हम चाहते हैं कि जो झलकियां आपने रिदम पैटर्न्स में दिखाई उस पर बने हुए कुछ फिल्मी गाने हमें सुनाएं. Oh, oh, oh.
हीरो ट्राई करो, कोशिश करते थोड़ी देर। आपने ललकारा है उसे। यस, आपको एक बात बताता हूं, जब राज कपूर साहब बहुत ही छोटे थे तब उनकी माँ ने बहुत जोरों की बारिश हुई इसीलिए पापा से कह दिया, यानी पृथ्वीराज कपूर जी से कह दिया कि आज आपके वो महंगे वाली गाड़ी से, कार से बेटे को स्कूल में जाने दीजिए, वो जाना चाहता है। तो वो बोले कि अगर आज इतनी कम उम्र में ही उन्हें हम ये आदत लगाएंगे तो वो खुद के पैरों पर खड़ा नहीं होगा, इतनी बरसात में उसे यूं ही जाने दीजिए। ये बात उस दीवार के पीछे खड़े राज कपूर साहब ने सुन ली, मगर उन्होंने जब खिड़की से झांक के देखा तो बहुत पानी बह रहा था, और फिर वहीं पीछे आ गए और उन्होंने अपनी वाइफ को कहा, नहीं नहीं बरसात बहुत ज़्यादा है, आप एक काम कीजिए अपनी गाड़ी में राज को भेजिए। मगर राज कपूर साहब को ललकारा गया था, उसकी खुददारी का आलम यह था कि वो खुद रेनकोट पहन के हाथ में छाता लेकर स्कूल में निकल गए, और ये बात जब उनके पिताजी ने देखी तो उनकी आंखों से आंसू आ गए, मगर उन्होंने अपनी वाइफ के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आज हमने उसकी खुददारी को ललकारा है। मैं पूरी गारंटी के साथ कहना चाहूँगा कि आने वाले कुछ सालों में ये खुद मुझसे भी महंगी गाड़ियां खरीदेगा और पापा को उसमें घुमाएगा। आर्टिस्ट को कभी ललकारो मत, वो बहुत कुछ कर सकता है, सही समय आने तो सब कुछ मिलेगा। है ना। हम चाहते हैं अब आगे बढ़े, एक और रिदम पैटर्न हमें उन्होंने बताया था उसका अंदाजा लेते हैं। दिस इज द रेगे पैटर्न।
दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, ये बात सच्ची है, क्योंकि किसी ने सच्ची कहा है कि प्यार एक ऐसी बला है जिसमें सब कामयाब नहीं, जिन्हें पनाह मिली उन्हें उंगलियों पर गिन लो, कितने सारे पागल हुए उनका कोई हिसाब नहीं, है ना, और आज हम पागल हुए हैं इनके प्यार में, तो चलिए यही प्यार और अब हम दर्शाने के लिए जताने के लिए तैयार है, क्योंकि अब की बार भटियाली धुन का सहारा लेते हुए लोक संगीत में भी हिंदी फिल्मी धुनें हम सभी के दिलों में किस कदर बस गई, इसका मुजाहरा फिल्म खुशबू के एक धुन के जरिए हमारे सभी म्यूजिशियंस आप सभी के सामने बयां करेंगे। इनोवेशन किया था, बोतल में पानी लिया था और उसमें फूंक मार के एक साउंड क्रिएट किया था। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा, जिन्हें नहीं पता होगा मैं चाहूँगा मयूरेश उसका एक एग्जांपल आप बताइए कि किस तरह वो साउंड क्रिएट होता है। ओरिजिनल गानों में आप ये साउंड ज़रूर सुन सकते हैं। द सेम साउंड हैज बीन क्रिएटेड फॉर शोले फिल्म टू, महबूबा सॉन्ग। ओके, जोरदार तालियां मयूरेश के लिए भी। हम चाहते हैं कि किशोर कुमार जी ने भी पंचमदा के संगीत में बहुत सारे गाने गाए, कुछ गानों में यॉडलिंग भी की है। अब देखते हैं कि ऐसे कुछ सिलेक्टेड गीतों का सहारा लेते हुए हमारे सभी म्यूजिशियंस अगले पड़ाव पर आप सभी को क्या सुनाते हैं।
After this, I just want to call a person on stage who has organized this night. ये कॉन्सेप्ट लोगों के सामने लाते वक्त बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स भी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस शो में सिंगर नहीं होते उस शो में लोग कैसे आएंगे. मगर क्या आज आपको सिंगर्स की कमी महसूस हो रही है? पक्का? थैंक यू सो मच. हाँ, सब सिंगर्स एक्चुअली आपको मौका मिल रहा है गाने का. बस पेमेंट मत मांगना. आज शैलजा नायर फाउंडेशन ने ये अनोखी कॉन्सेप्ट आप सभी के सामने प्रेजेंट की. हम चाहते हैं इसके पीछे जो इंसान खड़े हैं वो ये बात जानते हैं कि मुट्ठी बांधे जन्म लिया है, हाथ पसारे जाना है. मुट्ठी बांधे जन्म लिया है, हाथ पसारे जाना है. इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाना है. हम सभी को पता है कि हम कुछ लेकर नहीं जाने वाले, मगर जब रहेंगे इस धरती पर तो तब कुछ ऐसा करें कि अपनी वजह से लोगों को मदद हो, लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए. और ये काम करने वाले इंसान हैं प्रताप नायर जी. जोरदार तालियों के संग हम उनका मंच पर स्वागत करना चाहते हैं, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट लोगों के सामने लाने का प्रयास किया और वो आज आकार ले रहा है. प्रताप सर, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. प्लीज प्लीज आइए. जोरदार तालियां इनके लिए. आर्क इवेंट्स के एक सोशल कॉज के प्रोग्राम में स्पॉन्सर के तौर पर इन्होंने जुड़ना चाहा. वो प्रोग्राम देखते हुए इनके दिमाग में ये कल्पना आई और आज उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी ने भी सोचा नहीं था, किसी ने भी. सर, आपके लिए इतना ही कहना चाहूंगा, आपने हमें ये बात सिखा दी है कि बन किनारा बे किनारों के लिए, बन सहारा बे सहारों के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना है तो जियो औरों के लिए. सर, दो शब्द. थैंक यू फॉर ऑल द नाइस वर्ड्स. माय म्यूजिशियंस आर अमेजिंग, राइट? सो आई नेम देम राइट. My amazing musicians. I'm so very proud of them. And the way they've taken the effort, and believe me, they're doing it all free of charge. Because it's their own function, they've done it because I must thank my friends Rajesh and Kala for helping us create this show. Without them, this would not have been possible. And I've heard Kiran playing music, flute, but I never knew he is so good. He is such a mischievous guy, you know, in with flute, what all he was trying to do. Amazing. And my 6-year-old grandson, we had brought him a keypad this recently for his birthday. He came and told me, "Pa, I want the drums." And so that is Sumit's contribution to music. Yeah. And one confession. I was thinking, in a show like this, what can an RJ do? And I went and apologized to Amit for, you know, not realizing what contribution he's done. He kept us connected to them. Without him, there would have been no connection. And the numbers don't matter. You are all quality audience, and I'm so happy that you supported us. Thank you so much. Thank you all so much. I can say a man of golden heart, Mr. Pratap Nayar, वो अगर हमारे साथ हैं तो हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री के कई सारे म्यूजिशंस फिर एक बार अनोखे थीम के ज़रिए अगले पायदान पर अगले शो में आप सभी से मुलाकात करेंगे. मगर आज आप सभी ने यहाँ मौजूद रहकर इस प्रोग्राम की रौनक दुगनी की, और आपने जो पाया है औरों ने नहीं पाया, जिन्होंने मिस किया. मगर हम चाहते कि आपने जो भी वीडियोज़ आज लिए हैं वो अगर आप पोस्ट करोगे तो उसमें सभी आर्टिस्ट को ज़रूर मेंशन करना, ताकि इनकी आर्ट उन सभी तक भी पहुंचे जिन्होंने ये प्रोग्राम नहीं देखा है. जब वे देखेंगे रील्स वायरल होगी तब हमारे अगले प्रोग्राम में
यहां पर बैठने वालों के लिए जगह नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि वो शो जल्द ही हम अनाउंस करेंगे और आप सभी आएंगे। आज के प्रोग्राम की ये आखिरी पेशकश ऑन योर रिक्वेस्ट मैम। Thank you.
दोस्तों थैंक यू, कृष्ण के कदमों पे कदम बढ़ाए चलो, मुरली नहीं अपने हाथों में, सीटियां भी बजाए चलो, जोरदार तालियां सीटियां हमारे सारे म्यूजिशियंस के लिए। थैंक यू, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर साउंड इंजीनियर संजय शाह, लाइट ऑपरेटर किशोर इंगले, एलईडी ऑपरेटर जीतू खूत नरेश, वीडियोग्राफी बाय अभिजीत हरलीकर, अन्वेषा हरलीकर, प्रमोद शिलावत, फोटोग्राफी बाय अनुराग साटम, म्यूजिशियंस देवा बंगेरा, किरण गायकवाड़, नितेश मोरे, किरण विनकर, सुमित सरफरे, अजय पांडे, गौतम शिंदे, संतोष भूतल, मयूरेश शेरलेकर एंड अभिजीत कोहली। We just want to hear a big round of applause for Kala Sridhar ji and Rajesh Menon ji for supporting Shailaja Nair Foundation ARC events. Thank you so much. And one and only RJ Amit. Oh, yeah. Yes, thank you so much. Thank you so much. और उतनी ही जोरदार तालियां Shailaja Nair Foundation के हमारे प्रताप नायर सर से। जाते जाते बस हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि यूं ही अगर आप हमको याद रखेंगे तो सोहबतें गर्म रहेंगी और महफिलें आबाद रहेंगी। मिलते रहना, जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय। विद दिस लाइन आरजे अमित साइनिंग ऑफ।